और जीवन हिंदी चैनल एक कंपनी। तो क्या हाल यारो, बढ़िया सब? तो भाई, हमने आज से कुछ दिन पहले एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कोई सा ट्राईपोड मंगाया था, जिसकी जगह हमें ट्राईपोड निकला था, लेकिन ट्राईपोड की जगह हमें एक हाईटेक का ट्राईपोड निकला था, वो भी बिल्कुल बिखरा हुआ। तो हमने उसके लिए रिटर्न के लिए अप्लाई करा था, उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी में वीडियो में बताऊँगा आपको कि क्या हुआ उस रिटर्न का। लेकिन जो हमने कहा था वीडियो में उसमें कि हमने एक ट्राईपोड मंगाया है जिसका हाईटेक 3310 नाम है, वो उस दिन निकल कर आया था हमें। लेकिन मैंने उस वीडियो में बोला था कि वो आ रहा है ऑफिशियली अनबॉक्सिंग 3110 की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 3110 कितनी फुल हाइट रहती है उसकी, आज अच्छे से बताऊंगा। उस दिन थोड़ा मूड ऑफ हो गया था उसकी जो हालत देख के, उसके बाद उसको रिटर्न के लिए अप्लाई किया लेकिन वो रिटर्न नहीं हुआ, उसकी कहानी अलग है, उसको मैं सुनाऊंगा। तो ये वाला मुझे पड़ा है 109 रुपये में, 109 रुपये का पड़ा है, उससे भी कम है, वो 124 रुपये का था और ये 109 रुपये का पड़ा है। और इसको आपका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये मैंने शॉपी पे से मंगाया है, फ्लिपकार्ट पे जाओगे आप लेना तो 250 से 300 के बीच में मिलेगा, ये आप शॉपी पे ले लीजिए, वहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, बिना वाउचर के भी आपको सस्ते मिल जाएगा सामान, आप वहाँ पे ले लीजिए, वहाँ से ले लीजिए। और फ्लिपकार्ट पे से लेना चाहो तो वहाँ पे ले सकते हो। ये नहीं बोलता कि मैं कि सामान गलत है या क्या गलत है, हो सकता है सेलर की गलती की वजह से हमें प्रोडक्ट टूटा हुआ हालत में मिला उस दिन, और या तो फिर डिलीवरी बॉय की, उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं होती, तो उसमें हम गलती तो नहीं बता सकते किसकी है। सोपी की गलती तो नहीं है, क्योंकि सोपी नहीं चाहिए अपने नाम ख़राब करना, तो वो तो हमें अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगी। लेकिन सेलर की गलती हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, जो हमें प्रोडक्ट ख़राब मिलता है। इसकी रेटिंग मैं खुद ही दूँगा आपको, ऐप की रेटिंग नहीं बताऊँगा, मैं खुद पर्सनली इसकी रेटिंग दूँगा 5 में से। और इसको बॉक्स को अनलॉक कर लेते हैं, हो सकता है इसके हमें वापस रिटर्न के लिए अप्लाई करना पड़े, तो इस बार मैं रिटर्न के लिए अप्लाई करूंगा ही नहीं, क्योंकि भाई सेलर एक्सेप्ट नहीं करता, वो घुमा देता है कंपनी को भी, और रिटर्न में नहीं हो पाता प्रोडक्ट, और कंपनी भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, प्रोडक्ट लो प्राइस का रहता है। इसलिए अभी क्या है कि काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है अभी, तो विशेष उस सोफी को। तो हमने हमारा प्रोडक्ट बाहर कर लीजिए, और ये रहा हमारा ऑफिसर 3110। तो ये ऑफिसर 3110, और इस बार बॉक्स हमें काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिला है, लेकिन इस पर कहीं भी हमें 3110 का वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर एक और बॉक्स हो सकता है, ये मेरा मानना है जी, एक और बॉक्स है। उस दिन हमें सीधा ही पैकेट के अंदर से उस बॉक्स का वो मिल गया था, तो इसे भी हम कर लेते हैं अनलॉक। उस दिन हमें सीधा, हमने जैसे ही पन्नी हटाई उसके बाद हमें मिला था वहाँ पे उसका बॉक्स जिस पे 3110 लिखा हुआ था, लेकिन हमने उस दिन 3110 नहीं मंगाया था, फिर भी 3110 तो मिला। क्या बोले यार, मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता भाई, क्या चल रहा है, हर तरफ धोखा धोखा। चलिए तो इसे हम निकालते हैं, इसे बॉक्स काफ़ी टाइट है, बॉक्स की पैकिंग ऐसे की गई है, देखिए हम। तो ये रहा ऑफिसर बॉक्स ऑफ ट्राईपोड हाईटेक 3110। उस दिन तो हमें बॉक्स भी अच्छा नहीं मिला था यार, बॉक्स ही ख़त्म हो गया था, वो भी सही देखने का मौका नहीं मिला उस दिन, मैं कुछ आपको पता नहीं पाया 3110 के बारे में, लेकिन आज बता देता हूँ मैं आपको अच्छे से 3110 को। तो ये रहा इसका पाउच, इसके साथ ही ये क्लिप मिलती है जो कि हमें उसके साथ भी मिली थी, वो हमारे पास आज भी है, वो ट्राईपोड, ये आपको बता दूँ मैं। चलिए तो ये रहा 3110, इसकी जो हाइट मेंशन है वो 4.27 है ना, ऐसे ही कुछ है 4.27, लेकिन इसकी इतनी हाइट नहीं है, मैं इसकी हाइट बता देता हूँ आपको सही, क्योंकि ये जो टेबल है वो है 4 फिट का, तो इसकी हाइट मैं आपको कंपेरिजन करके बता दूँगा डिजिटेक के DTR से, जो कि मेरे पास अभी है फिलहाल। देखिए तो इस बार हमें कंडीशन काफ़ी अच्छी मिली है ट्राईपोड की, और हाइट तो उतनी है जितनी उस वाले ट्राईपोड की थी। देखिए काफ़ी मस्त है इस बार कंडीशन, इस बार भाई दिल खुश हो गया कि इस बार तो कम से कम अच्छा मिला हमें प्रोडक्ट। चलिए तो इसकी हाइट मैं आपको सबसे पहले इसकी हाइट ही बता देता हूँ, वैसे इसकी जो मटेरियल क्वालिटी है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी हल्की है मटेरियल क्वालिटी, वो भाई वो इसका बैग भी हमें ऐसा कुछ लटकाने के लिए नहीं मिलता, कुल हमें एक पाउच मिलता है जिसमें ब्लैक कलर का, जिसमें से हम रख सकते हैं। तो हमने इसे पूरा अनलॉक कर लिया है, इतने मान के इसकी हाइट थी, ये अंदर क्यों जा रहा है, ठीक है इतने मान के इसकी हाइट है, और ये वाला अनलॉक है जिसको रखने के बाद इसकी इतनी हाइट रहेगी,
इसके अलावा इसकी और हाइट है तो वो भी मैं आपको अनलॉक करके बता देता हूँ और कितनी हाइट है इसकी टोटल मिला के। मैक्सिमम हाइट इसकी इतनी है। देखिए ये टेबल है ना, ये 4 फिट की है। 4 के हिसाब से अब इसकी हाइट इसको लगाने के बाद माने तो 4 से कुछ इंच कम है, तो या 3 इंच कम है इसकी। 4 पूरी हाइट नहीं है, 4 फिट थोड़ी सी कम है 4 से। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको करते हैं साइड। हमने इससे पहले एक ट्राइपॉड मंगा चुके हैं जो कि ये वाला था। ये हमें 31-10 नहीं मंगाया था, फिर भी 31-10 मिला था उस। तो देखिए हमने इसे लगा लिया ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये वाला हिस्सा आप यहाँ से तो इसमें भी सेम फंक्शंस मिलते हैं हमें। यहाँ पे एक बलून दिखता है जो कि इसकी बराबर सेंटर में रखने के लिए होता है कि सेंटर में है या नहीं है। अभी जो हमने कस के रखा है अभी मोबाइल उसको, या कैमरा तो इसके पास का है ही नहीं। इसके अलावा ये वाले फंक्शंस वही हैं, लेकिन ये काफ़ी नाजुक है भाई, इसलिए काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है वरना टूट के हाथ में आ जाएंगे। जैसे कि ये वाला मैं दिखा था, ये वाला देखिए यहाँ से उखड़ गया मेरे हाथ। तो ये इसकी आम समस्या है जो कि रहती है। इसको बस आपको यहाँ पे रखना है, उसके बाद प्रेस कर देना है थोड़ा टाइट, तो इसमें जाने के बाद ही होगा ये। देखिए ये हो गया इसमें फिट। अब इसको वापस निकालूंगा ना तो फिर बाद में आ जाएगा, इसमें फेविक्विक लगाना पड़ेगा मेरे को। इसकी बात करें तो इसमें सेम फंक्शंस मिलते हैं हमें जैसे कि डिपोर्ट में मिलते हैं, जैसे कि ये सभी फंक्शंस आपको मिलते हैं। और ये वाला एक यहाँ पे भी है जिसको आप टाइट कर देंगे तो उसके बाद ये नीचे नहीं जाएगा। इसकी बात करें तो ये वाला फंक्शन है ये इधर उधर करने के लिए, लेफ़्ट राइट करने के लिए। और ये वाला है तो देखिए इसे मैंने ढीला कर लिया है, ये इस प्रकार से कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कसने के लिए जो आपका ये रहता है, इसको कसने के लिए जो मोबाइल होल्डर रहता है उसको कसने के लिए इधर से आप इसको टाइट या ढीला कर सकते हैं। भाई ढीले को क्या बोलते हैं, यहाँ ढीला बोल रहा हूँ, जो भी बोलते हैं, मैं तो अपनी भाषा में बात करता हूँ। और कंप्रेशन करें डिजिटेक के ट्राईपोर्ट से। देखिए ये वाला कंप्रेशन कर लेते हैं हम डिजिटेक के ट्राईपोर्ट से हमारे। तो देखिए ये रहा हमारा डिजिटेक का ट्राईपोर्ट, और ये रहे हमारे दो नन्हे मुन्ने ट्राईपोर्ट। भाई कंपनी का माल कंपनी का ही रहता है, कंपनी का माल कंपनी का रहता है। देखिए इसकी हाइट में और इसकी मटेरियल में कितना अंतर है। ये मैं इसके नीचे लेके आ सकता हूँ, ये देखिए इसकी हाइट और इसकी हाइट। तो देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप खरीद लीजिए। इसकी बात करें तो प्राइस टॉप डाउन होती रहती है, प्राइस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसलिए आप प्राइस की जो मैं बोलता हूँ आप लीजिएगा नहीं कि इतने में मिलेगा तो इतने में मिलेगा, प्राइस चेंज होती रहती है। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और ये पीछे ट्राईपोर्ट है डिजिटेक, इसका तो आप फ्लिपकार्ट कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, ये आपको मिल ही जाएगा डिजिटेक का ट्राईपोर्ट है। उस चैनल के अलावा हमारी 7 अदर चैनल्स हैं, उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में 8 चैनल्स का लिंक मिलेगा, उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।